प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं अफवा तंत्र, जिससे पूर्व पढ़े सामर झील की स्थिति, अवस्थिति तथा उसका इतिहास, जैसे पढ़े अलग अलग पार्टों में पढ़े, अपने सामर झील का भौगोलिक इतिहास पढ़ा, साथ साथ सामर झील का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी और उसकी स्थिति अवस्थिति पढ़ी। आज पढ़ने जा रहे हैं सामर झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, जो कि अधिकांश है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले लाइव या फिर अन्य वीडियो नहीं देखा तो इसका थोड़ा सा मैं रिपीटेशन कर देता हूँ। सामर झील है भौगोलिक दृष्टि से तीन जिलों में फैली हुई है। तीन जिले हैं मुख्य रूप से, वो है जयपुर, अजमेर और नागौर। तथा प्रशासनिक दृष्टि से काफी बार क्वेश्चन आता है कि सामर झील प्रशासनिक दृष्टि से किस में स्थित है, तो प्रिय साथियों, जयपुर जिले में स्थित है। तो प्रशासनिक दृष्टि से किस में हो गई, जयपुर जिले में। भौगोलिक दृष्टि से तीन जिले, एक अजमेर, नागौर और जयपुर। इसके साथ साथ ये जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है। सामर झील से मुख्य भौगोलिक तथ्य यह है, ये तैतीस सागर का अवशेष है। ये सब कुछ अपने पढ़ा, इसकी लंबाई 32 है किलोमीटर है, साथ साथ चौड़ाई 311 किलोमीटर है। इतना पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे सामर झील में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ। तो आइए विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से चार नदियाँ हैं, इसके साथ साथ अन्य नालों का भी मैं जिक्र करूँगा। चार नदियाँ अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि सामर झील का कौन सा अफवा प्रणाली है। तो इसमें गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, फिर विद्यार्थियों याद रखना, ये नदियाँ अभी केंद्रीय अफवा तंत्र बनाती है। याद रखना फिर साथियों, सामर झील में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो अभी केंद्रीय अफवा प्रणाली का हिस्सा बनती है। अर्थात परिधि से लेकर केंद्र की तरफ आती है, अतः निम्न भूमि में आती है। अतः सामर झील निम्न भूमि है, उसमें आती है। तो प्रिय साथियों, सामर झील की लोकेशन वो इस प्रकार है, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पश्चिम की ओर ऐसे फैली हुई है। सबसे अधिक प्रिय साथियों जयपुर जिले में स्थित है। फिर कुछ जो भाग है वो प्रिय साथियों अजमेर जिले में है। कुछ भाग अजमेर जिले में, सबसे अधिक भाग जयपुर जिले में, और फिर उसके बाद में नागौर जिले में, और फिर है आपकी अजमेर में। तो आइए साथियों, इसमें मुख्य रूप से जो नदियां गिरती हैं, सामर झील में गिरने वाली नदियां, वो एक अगर अपन इसका सूत्र बनाए तो त्रिक भी है, लेकिन डायरेक्ट पहले पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन नदी जो नदियां गिरती है, एक का नाम है मेंथा। प्रिय साथियों, दूसरी नदी है रूपनगढ़, फिर है खंडेला नदी। फिर प्रिय साथियों चौथी नदी है खारी नदी, और इसी प्रकार एक नदी और है जो कि मेंता की सहायक नदी है, वो है मेडा नदी। इस प्रकार मुख्य रूप से पांच नदियां हैं, लेकिन अधिकांश से चार नदियों का जिक्र आता है। इसका ट्रिक भी है, अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो इसका ट्रिक सीधा है। सामर झील में नहाने पर रूप खाक में मिल जाता है। क्या हुआ ट्रिक? इसको जो ट्रिक है वो ट्रिक हो गई,
सामर झील में नहाने पर रूप खाक में हो जाता है, अर्थात रूसे रूपनगढ़ खासे खारी, फिर खैसे खंडेला, खैसे खंडेला और खाक में मिल जाता है। में मिस मेंथा और मेडा नदी, अर्थात सामर झील में नहाने पर रूप खाक में मिल जाता है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, रूपनगढ़ खारी खंडेला और मेंथा मेडा नदी, तो ये नदियां हैं जो मुख्य रूप से सामर झील में गिरती हैं। आए विद्यार्थियों, जो अभी केंद्रीय प्रणाली का हिस्सा बनती है, नदियां जो चलती हैं, एक नदी यहां से निकलती है प्रिय साथियों, ये पहाड़ है और ये जो पहाड़ है वो है मनोहरपुर कस्बा है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे से एक नदी निकलती है और उत्तर से आकर और सामर झील में अपना पानी विलुप्त करती है। इस प्रकार एक नदी है ये नदी विलुप्त होती है इस प्रकार, और इस नदी का प्रिय साथियों नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी है, अतः ये मेंथा नदी है जो मनोहरपुर कस्बे से निकलती है और यहाँ चली जाती है, अतः अपना पानी सामर लेक में विलुप्त कर देती है, उत्तर से आने वाली एकमात्र नदी। इस प्रकार दूसरी नदी है मेरे साथियों, वो यहाँ से आती है, दूसरी नदी यहाँ से आती है और ये पहाड़ है इन पहाड़ों से निकलकर और नदी यूं लहराती हुई और ऐसे चलती है, अतः एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण की ओर से आती है और सामर लेक में जाकर अपना पानी विलुप्त कर देती है और अजमेर में ये चली जाती है, और इस नदी का नाम है प्रिय साथियों रूपनगढ़ नदी है। आई रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जो नदी है इन पहाड़ों से निकलती है, ये पहाड़ है अजमेर जिला है, अजमेर जिले में किशनगढ़ है, किशनगढ़ में कुचिल नामक एक स्थान है, गांव का नाम है कुचिल। कौन सा गांव है? कुचिल, किशनगढ़ में कुचिल है और उससे निकलकर ये साथियों आगे चलती हैं और आगे सलेमाबाद में के पास में इसके मुहाने पर एक पीठ बनी हुई है, वो है निम्बारक संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। निम्बारक संप्रदाय है जो कि सलेमाबाद में स्थित है, इसमें सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय है, इसकी पीठ बनी हुई है। तो दक्षिण से आने वाली एकमात्र नदी है, उत्तर से आने वाली मेंथा नदी। इसी प्रकार दूसरी नदी है जो अजमेर से आती है और वो भी दक्षिण से आती है, और ये नदी है इस प्रकार पानी विलुप्त कर देती है, और इस नदी का नाम है खारी नदी है और ये अजमेर से निकलती है, ये भी अजमेर से निकलती है। इसी क्रम में अगली जो नदी है मेरे साथियों, एक जो नदी आती है वो आती है यहाँ से, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, ये घूमती हुई एक यहाँ से एक नदी आई और सामर झील में अपना पानी विलुप्त करती है इस प्रकार, और इस नदी का नाम है खंडेला नदी है, जो कि सिक्कर में खंडेला क्षेत्र से निकलती है
खंडेला क्षेत्र से निकलती है, अतः सीकर में खंडेला क्षेत्र से निकलती है खंडेला नदी। इसी प्रकार साथियों एक नदी और है, एक नदी जिसका नाम है खारी हो गई, खंडेला हो गई, मेढा। मेढा नदी है जो साथियों यहाँ से आती है और सामर से पहले नागौर जिले में मेंथा से मिल जाती है और उस नदी का नाम है मेढा नदी। ये है मेढा नदी है, मेढा नदी। प्रिय जो साथियों मेढा नदी है, यहाँ लिख देता हूँ, मेढा नदी है वो हर्ष की पहाड़ियों से निकलती है। हर्ष की पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है, हर्ष की पहाड़ी सीकर जिले से निकलती है और इस नदी के संगम पर, यहाँ मेढा और मेंथा नदी के संगम पर लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी आपकी सामर झील में गिरने वाली नदियाँ जिसका आपने पढ़ा। मुख्य इसमें फैक्ट यही है कि इसमें जो नदियाँ गिरती है वो अभिकेंद्रीय प्रणाली का हिस्सा बनती है। दूसरा है इसमें मुख्य रूप से जो नदियाँ गिरती हैं मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी और मेढा। इसमें याद करने का एक ही तरीका है कि कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, फिर साथियों वो है सामर झील में नहाने पर रूप खाक में मिल जाता है। तो याद रखना रूपनगढ़, खारी, मेंथा, मेढा और खंडेला, कैसे खंडेला। तो प्रिय साथियों इस रूप एक इससे संबंधित क्वेश्चन है, उत्तर से आने वाली मेंथा नदी है जो सबसे अधिक नमक लाती है, दक्षिण से आती है वो रूपनगढ़ नदी है। इस प्रकार ये सामर झील का अफवाह प्रणाली है। इसके साथ साथ इस पर कुछ नाले बने हैं, उसका संक्षिप्त बता देता हूँ। नाले हैं, एक नाला है तुरतई का नाला, तुरतई नाला, एक है त्योंद का नाला, त्योंद नाला, एक है जम्पोक का नाला और एक है देव यानी का नाला। तो प्रिय साथियों प्रिय मित्रों इस पर जो नाले बने हुए हैं, कई बार आरपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस पर कौन कौन से नाले हैं, तो ये नाले भी अफवाह प्रणाली का हिस्सा बनती है। इसमें एक नाला तुरतई, एक है तोंद, एक है जबोक, एक है जम्पोक, एक है देवयानी। देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है, जो कि पहले अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं, तीर्थों की नानी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी सामर झील का अफवाह प्रणाली। इसको देखिए आपको कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अब 2-3 दिन में आपके सामने लाइव लाऊंगा, इसको देखना और देख के बताना कि आपको कैसा लगा। साथियों एक और मैसेज करता हूँ आपके सामने, अब वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, तो इसका ख्याल रखना, आप अपने घर के अंदर रखना, मास्क लगा के रखना, सेफ रखना, आप हो तो आपका परिवार है, तो स्टे होम, बी सेफ। तो थैंक यू विद्यार्थियों साथियों।